आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया एमपी अब तक का सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की कर रहे हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश में 21 सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं, बड़ी खबर। 14 सांसदों के कट सकते हैं टिकट, दो बार से ज्यादा जो सांसद हैं उन्हें बदल सकती है बीजेपी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि इस बात पर मंथन चल रहा है कि 21 सांसदों के टिकट बदले जाएंगे, यानी कि लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर, 28 सांसद बीजेपी के हैं, तो 28 में से 21 सीट ऐसी हैं जहां पर नए उम्मीदवार होंगे। 14 सांसद जिनके पत्ते कट सकते हैं, जो दो बार से ज्यादा समय से सांसद हैं उन्हें भी बदल सकती है बीजेपी। तो एंटी इनकम्बेंसी की काट इस तरह ढूंढी गई है कि नए चेहरों को इन सीटों पर उतारा जाए जहां पर 10 साल से कोई सांसद है, तो उस सीट को बदला जाए, उस सीट पर प्रत्याशी को बदला जाए। 14 सांसद जिनके टिकट कट सकते हैं, यानी कि उन्हें रिपीट ना करने का फैसला बीजेपी ले सकती है। तो आपको सारी जानकारियां दे रहे हैं, भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट सकता है, इंदौर से शंकर लालवानी के टिकट पर भी कैची चल सकती है, ग्वालियर से विवेक शेजवलकर इनकी जगह पर कोई नया हो सकता है, सतना और रीवा में भी जो सांसद हैं उन्हें बदला जा सकता है, सागर से राज बहादुर सिंह के टिकट पर कैची चल सकती है बीजेपी अगर नया फॉर्मूला अपनाती है तो, बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन को बदल सकती है बीजेपी, विदिशा से रमाकांत भार्गव का टिकट भी यहां पर, उस पर भी असमंजस है, मंदसौर में सुधीर गुप्ता को हटा सकती है बीजेपी, खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल की जगह कोई और हो सकता है उम्मीदवार, धार से छतर सिंह दरबार का टिकट भी काट सकती है बीजेपी। प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रशांत, ये नया फॉर्मूला बीजेपी का कई सांसदों के टिकट पर मंडरा रहा है खतरा। जी बिल्कुल, देखिए खतरा क्यों मंडरा रहा है, तो जो पहले जो सात सांसद जो चुनाव लड़े थे इनमें पांच जीते हैं, उनका लगभग तय है भाई स्वाभाविक उनकी जगह कोई नया चेहरा होगा। दो ऐसे चेहरे जो विधानसभा चुनाव भी हार गए, उनका टिकट भी कटना तय है। लेकिन अब आप ये माने कि जो जिनका जो जो सांसद वर्तमान में सांसद हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, उन उन लोगों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। एक और जो पैर होगा वो होगा उम्र का पैरामीटर, जो बेहद नजदीक है लगभग 74 के बाद बीजेपी में कहें तो सियासत लगभग खत्म, 74 के बाद बीजेपी में कहें तो सियासत लगभग खत्म हो जाती है और उन उन चेहरों का टिकट भी कटेगा। दूसरा, कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जहां बड़े लोगों का दावा है, उदाहरण के तौर पर ग्वालियर हम कहें या फिर गुना कहें, वहां बड़े लोगों का दावा है, सिंधिया का दावा है, दो जगह से नाम सिंधिया का चल रहा है, ग्वालियर से भी और गुना से भी। अब ये देखना होगा, अगर गुना से देते हैं तो फिर केपी यादव का टिकट भी कट जाएगा, ग्वालियर से शेजवलकर का नाम लगभग तय माना जा रहा है, इसके अलावा कुछ और नाम है, छतर सिंह दरबार का नाम भी लिया जा रहा था, कुछ इसके अलावा डामोर का कहा भी कहा जा रहा है कि उनका टिकट भी काटा जा सकता है, क्योंकि अब बीजेपी की कोशिश है कुछ नए लोगों को मौका देने की। उस लिहाज से अगर आप एक काउंट करेंगे तो लगभग ये आंकड़ा 20 के आसपास तक जा पहुंचता है, यानी 20 चेहरे हो सकता है आपको बदले हुए नजर आए। दूसरी तरफ कुछ और नए चेहरों को भी, या हो सकता है कि कुछ विधायकों में से भी मौका दे दिया जाए। भोपाल का अगर हम जिक्र करें, भोपाल में लगभग हर बार अगर हम पिछले कुछ चुनाव देखें तो हर बार चेहरा बदल जाता है भोपाल से। वर्तमान सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह का टिकट कटना भी तय माना जा रहा है और इस बार कोई नया चेहरा हो सकता है, हालांकि दो तीन चार नाम चल रहे हैं भोपाल से भी, हो सकता है कि उनमें से नरोत्तम मिश्रा जो विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, राष्ट्रीय संगठन के भी बेहद नजदीक कहे जाते हैं, उनका नाम भी यहां तक कहें दो तीन जगह से अलग अलग जगह से चल रहा था। तो ऐसे कई नाम हैं जो जिन्हें एडजस्ट करने के लिए भी कई दूसरे चेहरों को कहें कि उनका टिकट कट सकता है। तो ये दूसरा एक ये भी है जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, जिन चेहरों के खिलाफ उनका टिकट कटना भी तय है। उदाहरण अगर हम देखें तो गुजरात में जब पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी, इसके बाद जो नतीजे आपने देखे थे वो अप्रत्याशित नतीजे थे, अप्रत्याशित जीत बीजेपी ने दर्ज की थी, तो
एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए भी बीजेपी का ये फॉर्मूला होता है। और अमूमन बीजेपी में एक एक दूसरी बात और समझ लीजिए, जो लगातार कई बार से सांसद हैं, यानी कि उनका मंत्री पद के लिए भी दावा बढ़ जाता है 3 बार 4 बार 5 बार। अब ऐसे सांसदों का टिकट काट कर आप एक नए चेहरे को दे देंगे जो पहली बार सांसद चुनकर आता है, तो वो आपसे मंत्री पद का दावा भी नहीं कर पाएगा या फिर उसका दावा बनेगा भी नहीं। तो इस नजरिए से भी सोचिए कि जब केंद्रीय कैबिनेट 2024 में फिर से बनेगी तो फिर आपके सामने बहुत सारे विकल्प होंगे। आपके सामने विकल्प होगा कि जो पहली बार है उनको आपको जरूरी नहीं है आप पर प्रेशर, तो प्रशांत कह सकते हैं कि एक तीर से कई निशाने बीजेपी इस फॉर्मूले के साथ, इस नए फॉर्मूले के साथ साध सकती है। बहुत शुक्रिया, जो भी डेवलपमेंट होगी आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट देते रहेंगे। और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर ये भी है कि बीजेपी कल 100 से 120 उम्मीदवारों के बीच जो नाम है वो लिस्ट जारी कर सकती है। चुनाव कमेटी की दिल्ली में पहली बैठक होगी, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। करीब 120 उम्मीदवार जिनके नाम सामने कल आ सकते हैं। चुनाव कमेटी की दिल्ली में कल पहली बैठक होने जा रही है और इस पहली बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि 120 सीट पर, पूरे देश भर की 120 सीटों पर उम्मीदवार कल अपने अनाउंस कर सकती है बीजेपी। तो गहमा गहमी तेज है हर राज्य के अंदर, जब बीजेपी संगठन इस तरह काम कर रहा है उम्मीदवारों के नामों को लेकर। और कल दिल्ली में पहली बैठक ये होने जा रही है और इस पहली बैठक में बीजेपी इस बैठक के बाद 100 से 120 के बीच जो उम्मीदवार हैं उनके नाम अनाउंस कर सकती है। चुनाव कमेटी की इस पहली बैठक में कल प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी बैठक, बड़ी तस्वीर कल निकलकर सामने आ सकती है। इससे पहले हमने आपको बताया किस तरीके से नामों पर मंथन चल रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर सिटिंग एमपीज जो है उनका टिकट कट सकता है। इसके अलावा भी जहां जहां लंबे समय से कोई चेहरा सांसद बना हुआ है तो वहां उस सीट पर परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और साथ ही एंटी इनकम्बेंसी का सॉल्यूशन बीजेपी ऐसे ढूंढ सकती है कि चेहरे को रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि उस सीट से कोई और चेहरा उतार दिया जाए। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनूप, खबर यह है कि करीब 120 उम्मीदवारों के नाम कल बीजेपी अनाउंस कर सकती है। बिल्कुल, देखिए कल मुख्य चुनाव समिति की बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी जिन सीटों को अब तक जीत नहीं पाई है उन सीटों पर कल चर्चा करेगी, मंथन करेगी और उसका पूरा जो लिस्ट है वो एक तरह से पैनल तैयार है, उसके नामों की घोषणा जो है वो कल देर शाम या फिर परसों जो है सुबह में कर दिया जाएगा। और वो सूत्र बता रहे हैं तकरीबन 100 से 120 सीटों का लक्ष्य बीजेपी ने बनाया है। ये वो सीटें हैं जिसको बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है, जहां पर लड़ने के बाद वो दूसरे या तीसरे पोजीशन पे अब तक बीजेपी रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो लिस्ट जारी होगा बीजेपी की तरफ से, चूंकि अभी चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई, उससे पहले ही ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। एक तरह से विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश बीजेपी की होगी और उस लिस्ट में पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, गृह मंत्री अमित शाह का होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का होगा और कुछ बड़े दिग्गज नेताओं के भी नाम इसमें होंगे। इसके अलावा हारी हुई सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी बीजेपी करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात छिंदवाड़ा की, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ भावुक हो गए और कहने लगे, अगर आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। छिंदवाड़ा के चांद में कमलनाथ की जनसभा थी, जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ भावुक हो गए। चाहें कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है, मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। आपने 31 साल मुझे प्यारा विश्वास दिया। चाहें कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है, मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। तो कमलनाथ को आपने सुन लिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश करमेले छिंदवाड़ा से जुड़ रहे हैं। राजेश, भावुक हो गए कमलनाथ?
बिल्कुल देखिए, आज सभा के दौरान वो भावुक नजर आए क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसके पहले विधानसभा। हेलो हेलो, राजेश क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुनाई आ रही है। देखिए ये जो आज कमलनाथ भावुक हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपने जो कहा सभा के दौरान भावुक हुए हैं, वो चांद में उनकी सभा थी, पिछले दो दिनों से वो यहाँ आए हुए हैं, लोकसभा चुनाव का कैंपेन कर रहे हैं, इसके अलावा सांसद नकुलनाथ आने वाले थे। भावुक होने का कारण बड़ा साफ है, पिछले जो विधानसभा चुनाव है तब से लेकर अभी तक बीजेपी ये कैंपेन चला रही है कि इस बार कमलनाथ को विदा करना है, और इसी लाइन को लेकर कमलनाथ आज लोगों के बीच पहुंचे थे। जनसभा में उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि आप मुझे विदा करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, मैं आप पे थोपना नहीं चाहता अपने आप को। साफ है 40 सालों से कमलनाथ और छिंदवाड़ा का रिश्ता सब जानते हैं, लंबे समय से वो यहां पर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी चुनाव में उन्होंने बीजेपी को यहां हावी नहीं होने दिया। अभी के जो हालात बन रहे हैं उसमें बीजेपी बेहद आक्रामक है, इस लाइन को लेकर प्रचार कर रही है कि अब इन्हें विदा करना है, और शायद यही वजह कमलनाथ को नागवार गुजरी और उन्होंने इस बात को लेकर यहां ये इस तरीके के बयान दिए और भावुक हो गए। लोगों की प्रतिक्रिया जरूर इस पर आने लगी है, लोग कांग्रेस कार्यालय में जमा होने लगे, इसके अलावा शिकारपुर लोग जाने लगे, खास तौर पे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता, कि आखिर आपने ये कैसे कह दिया, क्यों कहा, इसको लेकर अब लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी पूरी जानकारी के लिए, तो छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने घोषित अंदाज में बयान दिया है। बढ़ते आगे बात नर्मदापुरम की कर लेते हैं, जहां सिविल लाइन गड्ढे में एक मजदूर फंस गया। नंदविहार कॉलोनी की घटना है, करीब 12 फीट गहरे गड्ढे में मजदूर फंस गया। पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मजदूर को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। शैलेंद्र कौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, अभी वहां पर क्या स्थिति है रेस्क्यू ऑपरेशन की? इस मैनहोल के पास में ये 12 फीट गहरा जो लाइन है, इसी लाइन में श्रमिक फंस गया था, हाल ही में उसका रेस्क्यू किया गया है, तकरीबन 2 घंटे रेस्क्यू चला है और फिलहाल श्रमिक को निकालकर यहाँ से एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जो श्रमिक है उसका अकील नाम है और वो यहाँ खुदाई करते समय अचानक मिट्टी जो धसकी थी उससे फंस गया था और पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, उन्होंने रेस्क्यू किया, तकरीबन 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसे निकाला जा सका है। जो कंपनी यहाँ काम कर रही है उसकी लापरवाही कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई है कि यहाँ पर जो काम चल रहा था उसके अकॉर्डिंग जो सेफ्टी फीचर्स थे उनका पालन नहीं किया गया था, इस कारण से हादसा हुआ है। कई शिकायतें लगातार इस प्रकार की मिल रही हैं, जिला प्रशासन के सामने भी इस प्रकार की शिकायतें आई हैं। फिलहाल श्रमिक को निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सीवर लाइन गड्ढे में किस तरीके से मजदूर फंसा, जानकारी हमारे सहयोगी वहां से दे रहे थे। नर्मदापुरम का ये पूरा इलाका जहां पर नंदविहार कॉलोनी है, 12 फीट गहरे गड्ढे में ये मजदूर श्रमिक जो फंस गया था, मौके पर पहले पुलिस पहुंची, उसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर ये 12 फीट गहरा गड्ढा जिसमें श्रमिक के फंसने की जानकारी मिली थी, ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर समय आपको दिखा रहे हैं। सीवर लाइन गड्ढे में फंसे मजदूर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और देखिए 12 फीट ये गहरा गड्ढा। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जरा बताएं कि श्रमिक को क्या निकाल दिया गया है, अपडेट क्या है? जी, श्रमिक को फिलहाल निकाला जा चुका है, तकरीबन 2 घंटे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया था और इस रेस्क्यू के बाद श्रमिक को निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और इस दौरान स्थानीय विधायक पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे थे मौके पर। प्रशासन की टीम से हालांकि कोई अधिकारी नहीं पहुंच पाया था, पुलिस और एसडीआरएफ की जो टीम थी वो यहाँ पर मौजूद रही और लगातार 2 घंटे तकरीबन रेस्क्यू चला। जी ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारी। श्रमिक को बाहर निकाल लिया गया, 2 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद श्रमिक को बाहर निकालने में कामयाबी
यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों के हाथ लगी। खंडवा का मोरटक्का ब्रिज लोगों की परेशानी के साथ ही जेब पर भारी पड़ रहा है। 5 महीने से खंडवा और बुरहानपुर की जनता को ब्रिज की वजह से 20 करोड़ से ज्यादा राशि पेट्रोलियम कंपनी को देनी पड़ी है। पिछले साल 18 सितंबर से पुल पर भारी गाड़ियों के गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है। सितंबर में नर्मदा से आई बाढ़ की वजह से पुल डूब गया था और पानी में उतरने के बाद इंजीनियर्स ने भारी गाड़ियों के गुजरने पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी की वजह से डीजल और पेट्रोल के टैंकर को 180 किलोमीटर ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में पेट्रोलियम कंपनी ने डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। दोनों ही जिलों के लोगों ने 5 महीने में करीब 20 करोड़ अतिरिक्त राशि पेट्रोल और डीजल के लिए दी है। परेशान लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से नए पुल की मांग की है। ये सितंबर में मोटक्का पुल से यातायात भारी वाहन के लिए बंद किया है, उसके बाद से 1.38 रुपये लीटर का अंतर आ गया है। खंडवा और बुरहानपुर जिले की जनता के ऊपर भार ज़्यादा है। उसके अलावा में महाराष्ट्र से रेट हमारे और ज़्यादा हो गए, तो व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना हमें करना पड़ता है। ब्रिज तो हमेशा के लिए हमारे लिए चिंताजनक स्थिति में रहा है पिछले 50 वर्षों से, और वर्तमान में ये जो समस्या आई है इससे करोड़ों रुपयों का इन दो जिलों में। अब बात गुना की करेंगे, जहां की चाचौड़ा जनपद पंचायत में एक युवक पर जनपद सीईओ गगन वाजपेयी का गुस्सा फूट पड़ा। मोहनपुर के भगवत मीना बाल बार सेम हेल्पलाइन पर शिकायत कर रहे थे, इस बात से अधिकारी नाराज हो गया। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें पंचायत सीईओ और कुछ कर्मचारी युवक को गालियां और धक्के देते हुए पुलिस थाने ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि वीडियो में सीईओ युवक पर अभद्रता करने और दफ्तर में तोड़फोड़ के आरोप भी लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। खबर बुरहानपुर से, जहां मुगलकालीन धरोहर बीवी की मस्जिद में करीब 500 लोगों ने हंगामा कर दिया। यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित चालक लगा रही थी, लेकिन गलतफहमी में लोगों ने समझा कि सोने का पान चुराया जा रहा है। हंगामे की खबर पाकर पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। अब SDM और पुलिस की निगरानी में ASI पर तड़ित चालक लगाने का काम करेंगे।